अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अब न्यूज़ और मैं हूं नायला भट्टी। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। खबर शामिल करते हैं शाहकोट से। मेहर अब्दुल गफूर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जराइम पेशे नासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी सर्कल सांगला मियां नासिर नवाज की जेर निगरानी थाना सदर शाहकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैती के मुकदमा में मतलूब दो इश्तहारी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। इश्तहारी मुलजिमान कासम और सलीम अब्बास थाना सदर शाहकोट पुलिस को डकैती के मुकदमा में मतलूब थे। थाना सदर शाहकोट पुलिस ने इश्तहारी मुलजिमान को एसओ जहांगीर बेग की सरबराही में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान रोड रॉबरी के दौरान असलहा के तौर पर शहरियों से नकदी वगैरह छीन कर फरार हो गए थे। इश्तहारी मुलजिमान से 60,000 रुपये नकदी और असलहा बरामद किया जा चुका है। इसके अलावा इश्तहारी मुलजिमान से चोरी का भी एक मुकदमा ट्रेस किया जा चुका है, जिसमें 50,000 रुपये मालियत का माले मसरूक का बरामद करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। डीएसपी सर्कल सांगला हिल मियां नासिर नवाज ने एसएचओ मिर्जा जहांगीर बेग, इंचार्ज चौकी मोहम्मदपुरा आसिफ ओलख और हमराही टीम को शाबाश दी है।